खुशबू की एक लय एक आहंग भी है। अपनी चढ़ती उतरती सांसों को इस लय पर थिरकने दो कि तुम कभी समझ जाओ। कैसे कैसे सांसों को थिरकने? चुप ओ ओ ओ ओ
बप बाधा ने जाना, मैं आवारा गर्दी नहीं करता हूं। दिल में शौके दीदार रुखे जाना लिए घूमता हूं, घूमता हूं गोल गोल, घूमता हूं एक बुढ़िया के चरखे की मानंद, एक कुम्हार के जाग की मानंद, आटा पीसती चक्की के मानंद, गोल गोल घूमता हूं गोल गोल गोल। पर मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं, कहीं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं। Tu Kurshidam, 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 Tu Kurshid
हमें नजर क्यों नहीं आते? अकल वालों को इश्क के राज समझ में न आए हैं, न आए ही। छूट गया है या खुद ही दामन चुरा लिया है? पता नहीं, शायद शायद खुद ही छूट गया। बेखबरी का आलम है, ऐसा ही होता है। आपकी खुशबू तक पहुंचने का सफर दिल में शोके दीदार रुखे जाना लेकर घूमता हूं गोल 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 घूमता हूं। पर मैं कहीं पूछ नहीं पा रहा हूं, कहीं सर से पांव तक फूल से बनाया गया है। उसके हाथ फूल, पांव फूल, बदन फूल, चेहरा फूल और रुखसार। याद रहे, शायर का कहना है कि अगर तू देखेगा, यानी देखने के लिए आंख चाहिए, देखने वाली आंख। मस्त कि नमननी दानी इयावली, मस्त कि मननी दानी मननी दानी मननी दानी मननी दानी मननी दानी मननी दानी। ये क्या किया तुमने अजनबी, ये क्या किया, ये क्या कर दिया मेरी? बस बस कर बंदे रोना धोना, क्या खोया क्या पाया। सुना तुमने, बन कर बंदे रोना धोना, क्या खोया क्या पाया। रोना तो सीख चुके हो तुम, सब इसको तो संभालना है। बाबा, आपको लगता है इस मरहले पर हमें आपकी दानिश, आपका मशवरा चाहिए? ये भी बहुत खूब है बाबा जान। अमीर महान को हमारी दानिश दरकार है, हमारा मशवरा चाहिए। राह इश्क के मुसाफिर मरते हैं कभी, कौन मारेगा, किसको मारेगा? शहजादी नायब,
ड्रामा के दरवेश नामा के यहाँ पे हमारे साथ राइटर और डायरेक्टर दोनों मौजूद है, राइटर फयाज दिलबर और डायरेक्टेड बाय डॉक्टर अयाश आरिफ। तो ये इस ड्रामा के हवाले से आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, शुक्रिया। एक महीना रहा है और इनका भी हमें वक्त मैं चाहूँगा कि फयाज दिलबर साहब यहाँ पे आ जाए जो इस ड्रामे के राइटर हैं। इस ड्रामे में मौलवी शहजाद शबीर अरीब शाह शाहिद मलिक कोतवाल आसिफ खान सहेली नंबर वन विधत नजीर सहेली नंबर टू सोबिया इसे पहले कि मैं बैक स्टेज को आपको इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपने शहर में जनाब शेख मुजाहिद से इल्तिजा करता हूं कि वो मेकअप यूनिस अहमद म्यूजिक एंड प्ले बैक राशिद इम्तियाज खान हमारे होनहार म्यूजिक डायरेक्टर हैं और काफी मेहनत से उन्होंने इस ड्रामे का म्यूजिक सजाया और संवारा। लाइट डिजाइन जावेद अहमद खान छोटा कॉस्ट्यूम सजाद फैशन डिजाइनर सेक्स शाह तवाफ असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान फारूक मल्टी मीडिया सजाद अहमद भट्ट स्टेज मैनेजर शाह सिमरन एसोसिएट डायरेक्टर जिसके बिना ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता मेरे छोटे जावेद बोरा और जावेद खान ओवरऑल इंचार्ज मेरे हम सफर मेरे हम साथी मुश्ताक अहमद वानी बीजी भाई शाहिद लतीफ की थी डिजाइन और डायरेक्शन वो तो मेरा ही था लेकिन अब मैं अपने छोटे बच्चों नन्हे बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा उनको आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आ जाओ बेटे एक एक करके अपना नाम बोलो बच्चे वहां से अपना नाम अहमद आजिक मुदस्सिर परवीन करीजा फातिरा इन बच्चों ने बहुत कम वक्त में इस टीम को समझा है और अल्लाह इनको सलामत रखे। दो नाम जो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहूंगा एक तो हमारी जो कोरियोग्राफर है जिसका ये ग्रुप था डांसिंग ग्रुप शुगुप्ता जी का कली डांसर कामांचल अपना नाम एक एक करके बोलिया जोर से आदिल साहिल आरिफ रिजवान और इनके म्यूजिक डायरेक्टर थे कहाँ गए वो डांस डायरेक्टर आदिल साहब वो कहाँ गए कोरियोग्राफर ही इज द मास्टर ऑफ दिस होल इसे कोरियोग्राफी की शुक्रिया है और दूसरा क्या मैं हैप्पी थैंक यू वेरी मच मैं चाहूंगी कि आप सब एक बार उठ के आर्टिस्ट का
जो है वो तालियों के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें कितने छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है एक छोटे बच्चों के लिए. Writer of this play. So what was your thought and idea behind writing this play? See, basically, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कश्मीरी के दिल के बहुत करीब है. हमारी रिवायात, हमारे अकीदे, हमारा एतिकाद जो है उसके नज़र में. तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये था कि मैं उर्दू में एक ऐसे सब्जेक्ट को छू लूँ जो मिस्टिज्म के नज़दीक हो, उसके अराउंड बात हो. और कश्मीर का मिजाज है, सूफियाना लाइफ कश्मीर के लोग गुजार रहे हैं, वो एक रीज़न था ये प्ले सेलेक्ट करने का. दूसरा रीज़न ये था कि ये ड्रामा कश्मीर में करने का, कि मैं थोड़ा सा यहाँ का सिनेरियो जो है प्लेस का हल्का सा चेंज करना चाहता हूँ. यहाँ अमूमन लोग जो नाटक लिखते हैं, करते हैं, वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर ही होती है. मैंने कहा नहीं, मैं और तू का हम मामला देखेंगे कि जो ऊपर कंट्रोल कर रहा है अल्लाह, उसके साथ में हमें तसव्वुफ के एतबार से हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्या या, और या प्रोसेस जो है फ्राम मजाज टू हकीक, वो प्रोसेस में करेक्टर्स के थ्रू दिखाना चाहता था. वो एक मेरा मकसद था, बुनियादी मकसद था. सर, हम अभी देख रहे हैं जो अभी मीडिया है काफ़ी डिजिटलाइज हुआ है, लोग अभी अब से OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही अपने कंटेंट देखते हैं. तो सर, एज एन थिएटर में लोगों को ऐसे कंटेंट्स प्रोवाइड करना जिससे वो थिएटर वापस आए, तो इसके थ्रू आप कैसे उसको आपने थिएटर का जो ऑडियंस है, थिएटर एक ऐसा मीडियम है कि जो ड्रामा देखने के लिए आता है वो घर से प्लान करता है कि आज मुझे थिएटर जाना है, थिएटर में नाटक देखना है, विच मीन्स कि वो फोकस्ड है. और जो प्लेटफॉर्म्स हैं टेलीविजन पे, वो घर में बैठ के आई एम सॉरी टू से घरेलू काम भी चल रहा है, औरत सब्जी काट रही है और नाटक भी देख रही है, सीरियल भी देख रही है. थिएटर का जो ऑडियंस है बहुत संजीदा ऑडियंस होता है, ये घर से प्लान करके मन बना के आता कि मुझे थिएटर देखना है. अब ज़रूरत है कि क्या हम उसको वो चीज़ कैटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जो वो चाहता है, जो उसे चाहिए, तो उससे काम हो रहा है. मतलब डिस्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स हियर, थिएटर करना कश्मीर में बहुत मुश्किल मामला है. यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं है, यहाँ रेस करने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास. उसके बावजूद आई एम वेरी हैप्पी कि कश्मीर में थिएटर करने वाले खास करके नई पीढ़ी के कलाकार ऐसे हैं जिनके अंदर आग है, जो करना चाहते हैं कर रहे हैं. जैसे मेरा लिखा हुआ ड्रामा फेल हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ही कर पाएंगे गिवन फैसिलिटीज में, लेकिन मैंने किया. ठीक है, इसमें खामियां रही होंगी, या इससे बड़ा और ऊपर वाली सतह पर ले जाया जा सकता था, लेकिन है जोश है, तो मैं मायूस नहीं हूँ. थिएटर एक ना एक दिन सुधर जाएगा कश्मीर में, अच्छा थिएटर होगा, डेफिनेटली होगा. सो तो इन थिएटर के से जो कश्मीर का हेरिटेज है, ट्रेडिशन है और लैंग्वेज है, इसको कैसे हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसा है कि कश्मीर में कोई भी आर्ट फॉर्म जब कश्मीरी आर्टिस्ट करेगा तो हेरिटेज जुड़ेगा उसके साथ. कश्मीर की पोइट्री में, कश्मीर के लिटरेचर में, कश्मीर की पेंटिंग में, थिएटर में, वो चीज़ें खुद ब खुद जुड़ेंगी, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे. हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारी जो रिवायात हैं, हमारे जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसमें हम जी रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा. इसको हम हैंडीक्राफ्ट से क्रिएटिव आर्ट्स को अलग कहाँ किया जाएगा, यहीं अलग किया जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि हम पेपर में ऐसी का एक प्रोडक्ट बनाएं. थिएटर प्ले वैसे नहीं बनता, ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, ये क्रिएट किया जाता है. क्रिएटिविटी और मैन्युफैक्चरिंग में ये फ़र्क है. और रही बात की कश्मीर की ट्रेडिशन, वो खुद ब खुद आएगी, वो खुद ही आएगी, वो मेरे खून में, आपके खून में, आप समझ रहे हैं, हमारी रिवायत वो आएगी खुद ही खुद ही. हाँ, एक सेंसिबल सीरियस थिएटर करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक माहौल बनाना ज़रूरी है. ये मैं चाहता हूँ. देखिए, जहाँ तक थिएटर आर्ट का ताल्लुक है, अक्सर यहाँ पे हमने हर एक आर्ट के जितने भी फॉर्म है हम खेलते रहे, लेकिन ये हमने आज एक नई फॉर्म यानी कि मिस्टिक थिएटर को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आजकल आप जानते हैं कि नौजवानों में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई है, जो हमारा सूफी कल्चर जो है,
और मिस्टिक जो है इसको हमने ब्लेंड किया है ताकि हमारे नौजवान हैं वो सीखे आगे हो जाए और जो हमारी परंपरा रही है हमारी जो हिस्सा रहा है सूफीज़्म का उसको हमने उजागर करने की कोशिश की और ये सारा ड्रामा उसी पर बिल्कुल हमने आधार था और कोशिश हमारी एक अदर सी कोशिश हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए। सर एज एन डायरेक्टर आपका क्या विजन था इस ड्रामा को इस जो प्ले को डायरेक्ट करने का? डायरेक्ट करने का यही मकसद था कि एक डिफरेंट करूँ मैं क्योंकि अक्सर यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है लेकिन नौजवान आजकल के हैं आप मैंने सोचा कि वर्ल्ड वाइड सूफीज्म का एक जबरदस्त कल्चर चला है लेकिन सूफीज्म को इसको समझना इसको क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है जो हमारा जो सूफीज्म के तई जो हमारी दिलचस्पी रही है मैं चाहता कि ड्रामे के जरिए मैंने उसको कोशिश करने की उस चीज़ को आगे लाने। थैंक यू। हमने आज देखा कि आज बहुत ही सुंदर थिएटर ड्रामा हुआ एक सूफीज़म पे। सर आपको क्या लगता है कश्मीर में थिएटर और इस किस्म के ड्रामाओं की कितनी ज़रूरत है? बहुत सारी ज़रूरत है क्योंकि जहाँ तक थिएटर के जरिए ही सब कुछ लोगों को एजुकेट किया जाता है तो अगर थिएटर इसका इनिशिएटिव लेगा तो सूफीज़म क्या है हमारा कल्चर क्या है हमारा ट्रेडिशन क्या रहा है ये लोगों तक पहुंच सकता है। उस लिहाज से मुझे लगा है कि थिएटर अहम रोल अदा कर सकता है उसमें और आज हमारी ये पहली कोशिश थी कि हम क्योंकि हालांकि ये समझाना लोगों को उन तक पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल है उसमें राइटर को भी खास ख्याल रखना पड़ता है किस लैंग्वेज में लिखे क्या लिखे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे ताकि आम इंसान को भी समझ में आए। फिर भी लेकिन यहाँ की जो ऑडियंस है काफ़ी अब होशियार है काफ़ी पढ़े लिखे हैं तो उनको आज समझ आया तो उन्होंने सराहा भी हमारे इस हमारे फनकारों को भी की शाबाशी की उनकी हौसला अफजाई भी की तो आगे भी ये सिलसिला अगर जारी रहेगा तो अच्छा है। जी सर, सर हम देखते हैं कि अभी जो काफ़ी टाइम है डिजिटल मीडिया काफ़ी हो चुका है तो थिएटर तक लोग बहुत कम अब आ रहे हैं तो आपको एज एन आर्टिस्ट आप क्या मैसेज रहेगा या आप ऐसा क्या कह सकते हैं लोगों को कि वो फिर से थिएटर ड्रामास को थिएटर देखने के लिए वापस आए? मैं यही कहूँगा कि मैंने हालांकि टेलीविजन किया है 1975 से और थिएटर मैंने 74 से किया है रेडियो भी मैंने 1973 से किया है वेब सीरीज भी करता हूँ फिल्म भी करता हूँ। मैं अपनी जाती राय एक बताऊंगा हो सकता है कि वो मैसेज लोगों तक पहुंचे वो इंस्पायर हो जाए। अगर इस वक्त मुझे एक बिग बजट फिल्म मिलेगी और वेब सीरीज टेलीविजन में सीरियल या रेडियो में सीरियल टॉप बी गेट टॉप ग्रेड आर्टिस्ट और उसके बाद मुझे थिएटर में एक बैक स्टेज वर्कर बहुत ही मामूली एक वर्कर के काम मिले आई विल प्रेफर मैं उस वक्त वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं स्टेज को नहीं छोड़ सकता हूँ और यही मैं बाकी लोगों को भी अपने दोस्तों को भी अपने जो नौजवान उनको भी कहूँगा क्योंकि थिएटर इज द इंस्टीट्यूशन आप कुछ भी करो फिल्म करो जब तक थिएटर की थिएटर से ही सब कुछ इंसान सीख पाता है क्योंकि फिल्मों का पहले पहले जब स्क्रीन प्ले जो मिला वो थिएटर से ही मिला। शुक्रिया। थिएटर जब तक नहीं है कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सोनल नागेंद्रा है मैं साउथ की मूवीज में काम करता हूँ आई आल्सो वर्क इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज़ वेल। सो आप कश्मीर का ड्रामा थिएटर देखा है आपने तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? ओह इट वाज रियली रियली अमेजिंग स्पेशली इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन की जिक्र हुई है एंड जब मैं देख रहा था मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए थे इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड ऑल द आर्टिस्ट They've done a brilliant job. Mind blowing. So, to hum pata hai there is a huge cultural difference between South cinema and the Kashmir theatre. All the Kashmir films nahi banti hai yahan par. So, how do you see this? There's a significance and importance to reach this type of theatre dramas to the whole part of India and the world. I've always been involved in the theater and it's really pleasantly surprising and it's a very good thing that Kashmir mein theater ban rahi hai and jo maine aaj dekha uske baad to I'm like really amazed and it is great that it is happening here and I wish it happens more and it spreads all over the place. They've done a great job and I hope it keeps on going like that.
So how do you see this type of theaters, this boom, or how the audience will cater these type of dramas? Especially depends on the content, right? And the content was so amazing. I'm sure jo bhi aaj aaye the touched everybody, and it was shown in the way they were responding to the final when they were there. So as long as the content is good, as long as the performance is good, it's gonna be awesome always. So thank you so much.